दिवाली सीरीज एपिसोड 1, लेट्स मेक केसरी बिस्किट्स। ये एगलेस बिस्किट्स बनाने के लिए एक बोल में 5 टेबलस्पून चिल्ड देसी घी और 60 ग्राम पाउडर शुगर को बीट करेंगे। अब तब तक बीट करेंगे जब तक ये लाइट एंड फ्लफी नहीं हो जाता। एंड माइंड इट, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन बिस्किट्स में ना तो अंडा है, ना बेकिंग पाउडर है और ना ही सोडा है। नेक्स्ट, पुट अ छलनी ओवर द बोल एंड उसके अंदर 100 ग्राम मैदा, 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 चुटकी नमक और 1 टीस्पून इलायची पाउडर को छान लेंगे। नाउ मिक्स एवरीथिंग टुगेदर विद अ स्पैचुला और ऐड करेंगे केसर यानी कि सैफरन, एक बड़ा पिंच। बस अब 1-2 चम्मच मिल्क ऐड करेंगे। जस्ट ब्रिंग इट टुगेदर इनटू अ डो। ध्यान रखना कि आपको गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो बिस्किट बहुत हार्ड बनेंगे। एंड यू कैन एक्चुअली डिसॉल्व केसर इन मिल्क अल्टरनेटिवली। बट नेक्स्ट, बिस्किट के डो को 2 बेकिंग पेपर्स के बीच में रख के बेल लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1/2 सेंटीमीटर थिकनेस का, ना तो बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा पतला। स्लाइस किए हुए बादाम और पिस्ता छिड़क के प्रेस करेंगे हल्का सा बेलन की हेल्प से, सो दैट ड्राई फ्रूट्स आर सेट नाइसली इनटू द कुकीज। अब कोई भी एक राउंड कुकी कटा ले लेंगे, जैसे कि मैंने लिया है, एंड बिस्किट को गोल शेप में कट कर लूंगा मैं। आप कोई भी शार्प ढक्कन या कटोरी या फिर नाइफ से, जो भी आपकी पसंदीदा शेप है ना, उसमें आप इसे कट कर सकते हैं। केसरी बिस्किट्स को बेक करेंगे 170 डिग्रीज यानी कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से लेके 12 मिनट के लिए, या फिर तब तक जब तक इसकी जो एजेस हैं वो हल्की हल्की सुनहरी होने लगेंगी। बिस्किट्स अब बेक परफेक्टली। इन्हें कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे बाय कीपिंग ऑन अ वायर रैक लाइक दिस एंड आई विल शो यू। देखिए द क्रंच, हाउ क्रंची दीज केसरी बिस्किट्स आर। Now you can store in an airtight container and they will last for 15 days kam se kam. Sondhi khushbu wali eggless desi cookies with kesar badam pista taikaro is diwali. Aap chaho to ise bana ke apne loved ones ko, friends ko gift bhi de sakte ho. And agar aapko ye video achhi lagi ho to video ko like kare aur ha channel ko subscribe kiye bagair kahin mat jana. Aata hu main aapke liye aur bhi amazing recipes leke, tab tak khate raho khilate raho and take care of yourself. Goodbye. Thank you.